कैथल की अनाज मंडी में 2 सितंबर को होने वाली भाजपा रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, विनोद तावड़े सहित कई गणमान्य नेता भी शिरकत करेंगे। सब इंस्पेक्टर की भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने पर ओपी धनखड़ ने बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का कोई भी विषय जब सामने आता है तो हमारी सरकार उसके खिलाफ बड़ी सख्ती से पेश आती है। अगर ऐसा कोई विषय आया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ना तो कोई खर्ची है और ना ही कोई पर्ची है, लेकिन फिर भी कोई इसके बीच में से रास्ता निकालता है तो आपके सामने परिणाम है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी जेल में गए हैं। हमारी सरकार की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। 2 सितंबर को इसी अनाज मंडी में तो मैं तैयारियों का जायजा लेने आया हूं। अभी रेस्ट हाउस में जो प्रमुख नेता थे पार्टी के, उनके साथ भी मुलाकात की है। बड़े जोश में जोरदार तैयारियां हो रही हैं और यहां जहां सभा होनी है मंडी में उसका भी जायजा लेने के लिए मैं यहां पहुंचा हूं। तो बड़ी मैं कहूंगा कि कैथल के लोगों में बड़ा चाव है, पूरी लोकसभा में बहुत चाव है और जोरदार रैली जो है अमृत काल संकल्प रैली पहली ऐसी रैली हुई हो रही है तो कैथल से होगी। ये बहुत ही सुयोग है, संयोग है, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अध्यक्ष जी की पहली ऐसी संकल्प रैली अमृतकाल की कैथल में हो रही है। तो अब समय भी कम है क्योंकि परसों ही रैली होने वाली है, कल का दिन बीच में है, तो बहुत ज़ोरदार तैयारियों से सब कर रहे हैं। नड्डा साहब के साथ आपने जैसे पूछा, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी भी आ रहे हैं, हरियाणा भाजपा के सब प्रमुख नेता होंगे। जब भ्रष्टाचार का कोई विषय कहीं भी आता है तो हमारी सरकार बहुत सख्ती से उसके खिलाफ रहती है। ऐसी कोई भी ऐसा कोई विषय अगर आया है तो निश्चित रूप से जो है सबके खिलाफ। बिना पर्ची, बिना खर्ची की सरकार, बिल्कुल सरकार पर्ची भी है, सर खर्ची भी है। देखिए, ना पर्ची है ना खर्ची है, और उसमें से कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता है तो उसके साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है। बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी जो है जेल में गए हैं, इसलिए सरकार की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उसके रास्ते में कोई भी इस प्रकार का कदाचार कहीं भी आता है तो सरकार उस पर बड़ी सख्त है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की जांच करवाई जाएगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की सर निश्चित रूप से जल्दी होगी।